अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज हम लोग आए हुए हैं स्कीम 3 अभी नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह 7:30 का टाइम है और अभी हम लोगों ने जाना है इसके बाद आर्मी म्यूजियम, क्योंकि 6 सितंबर रिलेटेड वहाँ पे एक वीडियो बनानी है। तो मैंने एक दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन चाचू लोगों ने आर्मी म्यूजियम अभी तक सही तरह नहीं देखा। तो अभी उनके साथ जाएंगे हम लोग आर्मी म्यूजियम। तो अभी पहले नाश्ता ऑर्डर किया है यहाँ से, देसी पराठे पराठे नाश्ता ऐसा करके उसके बाद चलते हैं। अपने आप लोगों को दिखा, सुबह सुबह नाश्ता करने का मज़ा ही अपने 7:30 बजे कोई माहौल चल रहा है। सोना सांवला मुख न मोड़ी, लगी होई प्रीत जानी तू न तोड़ी, हले हले जख्म को तू नि छोड़ी, हले हले जख्म को तू नि छोड़ी, हो जख्म दुख दे मरीजां दे कदण वल सो सोना सांवला, हो वतन साडे गरीबां दे, ए वतन साडे गरीबां दे। यार भाई दो सोना सांवला क्यों रुआई, केड़ी गल्लों पहला साडा दिल चुराए। ये है पाक आर्मी म्यूजियम, CSD में हम लोग आ चुके हैं। पाक आर्मी म्यूजियम है सामने, म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त हम म्यूजियम में आ चुके हैं। और सबसे पहले हम अपनी मुलाकात करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। अच्छा, तो ये पीछे कायद आज़म थे और ये अभी हमें एक और चीज़ नजर आई है यहाँ पे। अब इसकी डिटेल वगैरह देखते हैं क्या है। अच्छा जी, ये है ऑर्डिनेंस 2F3.7 माउंट एयर होवित्ज़र। होवित्ज़र गन जो है वो यूज़ करते हैं पाउंडिंग के लिए, जो लाइट बॉम्बिंग के लिए माउंटेन एरियाज में हल्के लिए बैठ रहने के लिए। होवित्ज़र जो है वो अब काफ़ी डिफरेंट क्वालिटीज की भी हैं। आजकल तो जितनी भी कश्मीर की जो जंग थी, जो के पहले हुई थी कारगिल। अच्छा, ये 1947 से 1965 में जो मेन इवेंट्स हुए थे ना, वो इस रूम के अंदर हैं। इन्होंने मुख्तलिफ रूम्स में पार्टीशंस की हुई हैं मुख्तलिफ इवेंट्स की। और बहुत ही ट्रैजिक और बहुत ही मुश्किल तरीन मैप बना हुआ है। 1947 से 48 के दरमियान में कोई मैप है, आई डोंट नो ये क्या है ये।
Lieutenant Babur held an NIMU along with his 250 men. So this is the Wall of Legacy. वो लोग हैं जिन्होंने 1948 से 65 की वॉर्स जो हैं वो फाइट की, और ये रियल इवेंट्स की जो फोटोज़ हैं ये, यानी कि महाजे जंग से ली गई फोटोज़ हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आती है तो इसमें बता रहे हैं जनरल दूसरा खान जो है जरूरत कमांडिंग इन चीफ ऑफ आर्मी ऑफ कैप्टन नागन पंजाब रेजिमेंट को सतारा जरूरत रन कच्छ ऑपरेशन देते हुए मेजर जनरल टिका खान जनरल ऑफिसर कमांडिंग 7 डिवीजन भी मौजूद हैं। तो ये उधर की है कि रन कच्छ एक बहुत बड़ा मास था जहाँ पर ये जितने भी स्मॉल आर्म्स हैं, स्मॉल तो नहीं है लेकिन इनको हर तरह के हैं और इनमें जो मशीन गन ये सामने मुझे नजर आ रहा है ये इन्हें कहते हैं रॉकेट कहते हैं ये, इनकी डिफरेंट डिटेल्स ऑब्वियसली ये आप देख सकते हैं। छोटे रिवॉल्वर्स भी पड़े हुए हैं इधर, छोटे रिवॉल्वर्स ये दिखाएंगे, ये सामने जो लगी है ना मशीन टाइप जो थॉमसन की तरह की, हाँ ये बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी जो रशिया ने बनाई थी ना, रशिया उसका नाम था यहाँ पे इतना कुछ है कि मैं सारा कुछ अगर कवर करने बैठ गया ना तो दो वीडियोस आएंगी, इतना डिटेलिंग में यहाँ पे लोगों ने चीज़ें रखी हैं, इतना कुछ वो डिटेल तो नहीं करेंगे लेकिन अगर दो वीडियोस भी बनानी पड़े तो हम कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए जो सब्सक्राइबर्स और जो व्यूज़ हैं वो अहम है। और ये जगह इतनी फिट है कि मेरा दिल नहीं करता, मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ। ये जीप देखें, ये कैमोफ्लेज हुई है, वॉर जोन में गाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो कैमोफ्लेज करते हैं। इतनी यार मज़े की जीप है ये जीप, टू स्टार वाली है, इंडिया का इसमें झंडा लगा हुआ है, यार मुझे लगता है इंडियन किसी की होगी, को पकड़ी हुई इन्होंने जीप। अच्छा तो ये जो मेरे पीछे अभी रूम है इसका एक नाम क्या है इस रूम का, 1965 ये बहुत स्पेशल रूम है, इसमें आपको अभी इसकी इस रूम की खासियत दिखाता हूँ अंदर चल के। जी मेजर अजीज भट्टी शहीद का स्टैचू है, 1965 के हीरो, 1965 के हमारे सेवियर ऑफ लाहौर का खिताब। ये आप देख सकते हैं इनके निशान हैदर, थोड़ी सी डिटेल में बता दो मेजर अजीज भट्टी जो रिवॉल्वर इनका, इन्हीं का रिवॉल्वर है ना, और वो गन रखने के लिए बैग, ये क्या है ये कोई मेरे ख्याल से शायद इसे, इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो बताना चाहेंगे। 1965 की वार जो है उसमें जो मेन जो बैटल फील्ड थी वो लाहौर का बॉर्डर था और उधर से सियालकोट का बॉर्डर था, तो ये लाहौर के बॉर्डर जो था क्योंकि जब इंडिया ने रात को जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान के पास टाइम कम था, तो इन्होंने मेजर अजीज भट्टी और एक और थे उनकी क्यादत में दो पार्टीज बनाई थी और इनकी अंडर 25 से 30 मैक्सिमम 50 से ऊपर सोल्जर्स नहीं थे, तो इनको ये टास्क दिया गया था कि जो BRB नहर है उसको सेव करना। तो मेजर अजीज भट्टी ने 3 दिन और 3 रातें जो हैं मुसलसल जाकर अपने 50 से 60 फौजियों के साथ इन्होंने उस इलाके को जो है वो सेव किया इंडिया के अटैक से, 2 से 3 इनके अटैक्स को रिपल्स किया। इंडियन ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान ने अपनी हैवी किस्म की जो है ना आर्मी डिप्लाई की है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से उनकी 2 अटैक जब नाकाम हुए, तीसरे अटैक तक 6 दिन में पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पहुँच चुकी थी और लाहौर का अटैक जो है वो नाकाम हो चुका था, BRB ने ऐसे वो आगे नहीं आ सकता।